अभी हम लोग दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे और दर्शन शास्त्र में सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। सांख्य दर्शन ये एक दर्शन है यहाँ का भारतीय दर्शन, उसमें जो है दो चीज के बारे में पहले हम लोग पढ़े हैं, एक को देखे हैं प्रकृति और दूसरा है पुरुष। तो हम लोगों ने पहले प्रकृति के बारे में पढ़ लिया है, आज का जो टॉपिक है सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष, ये जो पुरुष है जिसको आत्मा भी कहा गया है, इसका स्वरूप कैसा होता है, ये किस तरह का होता है, इसी को हम लोग देखेंगे और इसके साथ ही देखेंगे कि भारतीय दर्शन में अलग अलग विचार क्या है, मतलब और लोगों का विचार क्या है पुरुष के बारे में या आत्मा के बारे में, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है। तो आत्मा का स्वरूप यानी पुरुष का स्वरूप कैसा है, इसका स्वरूप मतलब अपना रूप कैसा है, इसको हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। क्या है सांख्य दर्शन में दो परम तत्व माना गया है, दो मुख्य तत्व अल्टीमेट रियलिटीज माना गया है, पहला है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। इसको कहते हैं ये जड़ है और ये क्या है चेतन, जड़ और चेतन के मिलने से सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा या पुरुष के स्वरूप के लेकर भारतीय विचारक जितने भी हैं, जितने भी दर्शन हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा मतभेद है। मतभेद का मतलब विचारों में उसका जो भेद है, इसका कुछ विचार है उसका कुछ विचार है। जैसे कि देखते हैं चारवा का क्या कहना है, आत्मा शरीर से भिन्न नहीं है, शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है, मतलब शरीर ही आत्मा है ऐसा माना गया। तो जिस तरह से शरीर भौतिक पदार्थ है, इसीलिए शरीर की भांति जो है आत्मा भी भौतिक पदार्थ है, कोई चेतन चीज नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है। तो ये हो गया आत्मा के संबंध में चारवाक का कहना, कि चारवाक ने क्या कहा, शरीर ही आत्मा है और वो भौतिक है। बौद्ध दर्शन उसी तरह से कहते हैं आत्मा चेतना का प्रवाह है, सिर्फ इस तरह से नदी में पानी बहता है उसी तरह से चेतना एक बहता हुआ एक प्रवाह है और कुछ नहीं है, ये आत्मा कभी इसी प्रभाव में अलग अलग शरीर धारण करता है, ये आत्मा का एक कॉन्सेप्ट है। न्याय वैशेषिक कहते हैं आत्मा अपने आप में स्वयं में अचेतन है, उसमें चेतना नहीं होता है, चेतना नहीं होने के कारण वो जड़ की तरह है। प्रकृति और पुरुष जो हम लोग मान रहे हैं तो प्रकृति की तरह है, जड़ है, भौतिक है, तो फिर कैसे चेतना उसमें होता है, कैसे वो बात करता है, कैसे समझने लगता है वो, जब इस तो उसका उसके बारे में जवाब दिया, जब इसका संपर्क, इसका संपर्क आत्मा का शरीर से होता है, मतलब जब शरीर में आत्मा प्रवेश करता है तो शरीर से संपर्क हुआ, शरीर से संपर्क होता है तो मन के उसके बाद मन से संपर्क होता है और इंद्रियों से संपर्क होता है। शरीर मन और इंद्रियों से जब आत्मा का संपर्क होता है तो चैतन्य का उदय होता है, तब चेतना अचानक आ जाता है, मतलब चेतना पहले से कहीं नहीं था, चेतना इन चारों के मिलने से होता है। कौन कौन, शरीर मन इंद्रिय ये तीन चीज है और इसके साथ जब आत्मा मिलता है तो फिर चेतना का उदय होता है, और चेतना का उदय तो इसको क्या कहेंगे, चेतना आत्मा का आकस्मिक गुण है। आकस्मिक गुण मतलब जो अचानक हो जाता है, एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज है, ये एट्रीब्यूट है, ये आत्मा आत्मा का आकस्मिक गुण है, ये पहले से नहीं होता है। पहले से आत्मा कैसा होता है, अचेतन, मतलब वो कुछ नहीं करता है, उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसे ही शरीर मन इंद्रियों से संपर्क होता है तो आत्मा में चेतना आ जाती है, ये न्याय और वैशेषिक का कहना है। शंकर का क्या कहना है, आत्मा जो है सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा होता है, ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, और ब्रह्म का क्या गुण है, उसमें तीन गुण है, सत्य का, चित्त का और आनंद का, ये तीनों का समावेश है। इस तरह से शंकर ने आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप माना। भट्ट मीमांसा दर्शन के जो विचारक है वो मानते हैं कि आत्मा एक ऐसा पदार्थ है, पदार्थ की तरह है, जो अंशतः अज्ञान से ढका है, पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, कुछ अज्ञान से ढका हुआ है, कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान का मिश्रण है आत्मा पर, तो आत्मा को ये भी पूरी तरह से प्योर नहीं माने। लेकिन सांख्य क्या कहते हैं उसको देखते हैं, सांख्य कह रहे हैं कि पुरुष जो है, पुरुष मतलब आत्मा, शुद्ध चैतन्य है, यह चेतना न आकस्मिक गुण है, न आधा ढका हुआ ज्ञान से है, न सच्चिदानंद है, ये सब कुछ नहीं है, न शरीर है, न चेतना का प्रवाह है,
ये क्या है? ये शुद्ध चैतन्य रूप है, पूरी तरह से शुद्ध चेतना है। जिस तरह से प्रकृति शुद्ध जड़ है, उसी तरह से पुरुष शुद्ध चेतना है। अलग अलग पूरी तरह से दो प्योर चीज है। पुरुष शुद्ध चैतन्य है, प्योर कॉन्शियसनेस है, और यह चेतना जो है, यह चैतन्य आत्मा की सभी अवस्थाओं में विद्यमान रहता है। कोई व्यक्ति को अगर देखते हैं तो अलग अलग अवस्था में क्या चेतना अलग अलग होता है? तो कहा गया कि ऐसा नहीं, चेतना सभी में हर समय रहता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जागृत अवस्था में है, जगा हुआ है, तो उसको आवाज दिए सुन लिया। स्वप्न अवस्था में, स्वप्न में भी है तो भी आवाज दिया जाएगा तो वो व्यक्ति सुनता है जरूर, तो वो चेतना से उस समय भी परिपूर्ण है, चेतना उसमें अभी भी विद्यमान है। और सुसुप्ता अवस्था, सोया हुआ है तब भी चेतना उसमें रहता है, चेतना हमेशा विद्यमान रहता है आत्मा की सभी अवस्थाओं में। आत्मा की अवस्था हो या शरीर की अवस्था, इसको माने वो संत का कहना है कि हर समय चेतना उसमें रहता है विद्यमान। पुरुष स्वयं चैतन्य से प्रकाशित होता है। पुरुष जो उसका होता है वो अब चेतना उसका कहीं और से नहीं, अपने आप में चेतना है वो, और चूंकि प्योर चेतना है स्वयं से प्रकाशित होता है, मतलब चेतना का प्रकाश अपने आप उसमें रहता है। और वो पुरुष जिस चीज के साथ अटैच होता है उसको भी प्रकाशित कर देता है, अन्य वस्तुओं को भी वो प्रकाशित करता है। मतलब दीपक खुद जलता है, प्रकाश देता है, जहाँ पर जहाँ जहाँ भी वस्तु रहेगा सबको प्रकाशित कर देता है। पुरुष शरीर मन इंद्रिय बुद्धि अहंकार आदि से भिन्न है। इनका कहना है कि आत्मा न शरीर है, न मन है, न इंद्रिय है, न बुद्धि है, न अहंकार है, ये सबसे अलग है। आत्मा कुछ और चीज है, यह निष्क्रिय एवं अकर्ता है, ये पैसिव है, मतलब इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। एक्टिव पैसिव पढ़े है ना इंग्लिश में बॉयज पर, तो एक्टिव पैसिव होता है, ये निष्क्रिय है, ये एक्टिव हो जाता है। नॉर्मल ये निष्क्रिय होता है और अकर्ता होता है, नॉन डूअर, कोई काम नहीं करता है। पुरुष सदैव ज्ञाता होता है, इसको सिर्फ ज्ञान होता है, कभी ज्ञेय नहीं बन सकता, मतलब इसका ज्ञान किसी को नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज कभी नहीं बन सकता कि पुरुष का भी कोई ज्ञान कोई पा रहा है, इसको भी कोई पढ़ रहा है, ये खुद ज्ञाता है, ज्ञान पाने वाला ऑब्जेक्ट है। यह गुण रहित है, इसमें कोई गुण नहीं होता है, नित्य है, नित्य मतलब हमेशा रहने वाला है, इटरनल है, अनादि है, जिसका अंत, जिसका आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है, बिगिनिंग लेस है, एवं अनंत है, जिसका अंत नहीं है, एंडलेस है। तो गुण रहित होने के कारण इसमें सुख दुख एवं उदासीनता के भाव नहीं पाए जाते। जिसमें कोई गुण होगा उसी के कारण सुख और दुख का भाव उत्पन्न होगा, उदासीनता के भाव उत्पन्न होगा। इसमें कोई गुण ही नहीं होता है तो ये सब भाव ही नहीं उत्पन्न होता है, और यह देश एवं काल के परे होता है। स्पेस एंड टाइम का इस प्रभाव नहीं पड़ता है कि ये पुरुष जो है धरती पर है तो इसका कुछ असर अलग होगा, धरती के अंदर जाएगा तो कुछ अलग असर होगा, आसमान में चल जाएगा तो कुछ अलग होगा, ऐसा ये समय का भी प्रभाव नहीं पड़ता है कि दिन में ऐसा प्रभाव है, रात में कुछ और प्रभाव है। पुरुष जो है सांख के अनुसार देश और काल के परे होता है। तो ये आत्मा का सांख दर्शन के अनुसार इसका स्वरूप है।